हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब देखने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 का अष्टम प्रश्न पत्र, जो कि कंप्यूटर का है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल आपको पता है ये प्रश्न पत्र जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे सहायता मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखा यहाँ पर समय की बात करते हैं, इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक घंटे का समय मिलेगा। और एक घंटे में या और प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें पूर्णांक की बात करते हैं तो 25 नंबर का एक पूर्णांक है, ठीक है। और एक घंटे आपको इसको करने के लिए समय मिलेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना होता है। पहला निर्देश दे रखा है कि सभी जो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। और सेकेंड में निर्देश में लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के तीन प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं, जबकि जो लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होंगे। बात करते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे आपको ये देखना है। इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम के लिए भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल पहला प्रश्न पूछा गया है कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। पहला ऑप्शन है सूचना, दूसरा है स्रोत, तीसरा है प्रसारण एवं प्राप्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है संचार का माध्यम क्या होता है, सूचना भी होता है। स्रोत भी हम मिलेगा तभी तो हम उसका सूचना करेंगे, प्रसारण भी होना चाहिए। इस प्रकार से जहाँ पे चार तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, यानी कि चौथा आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। फिलहाल हम लोग केवल सिर्फ यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको करेंगे, और जो प्रश्न हैं लघुत्तरी और अति लघुत्तरी हैं उनको हम इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ प्रश्नों को बता देंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। यदि आप चाहेंगे इसका आंसर पूरा सॉल्व मिले तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो इसका मैं पूरे तरीके से वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूँगा, मतलब अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद। सेकेंड प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कंप्यूटर की बात होती है तो या तो आईसीटी की बात पूछेगा या तो एजुसेट की बात पूछेगा। तो आईसीटी की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसका सूचना एवं संचार प्रसारण, दूसरा कहते हैं सूचना एवं संचार प्रसंग, तीसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नेटस्केप यानी कि नेविगेटर है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है, पहला है वेब ब्राउजर, दूसरा है नेट साइट, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा है बैटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है आपका, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर है। इसको हम कहते हैं जो नेट स्केप हमारा है ये वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र जैसे कि हम कहते हैं जैसे हमारा क्रोम है, ठीक है, ओपेरा मिनी है और मोज़िला है, ये सब क्या होते हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। इस पर हम लोग सर्फिंग करते हैं, यहीं पे कुछ सर्च करना होता है, यहाँ पर जाके हम सर्च करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं सब लोग, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। एजुसेट की बात करते हैं तो एजुसेट क्या होता है, प्रश्न नंबर चार में पूछा गया। एजुसेट को किस वर्ष से एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 2007 में, दूसरा ऑप्शन है 2001 में, तीसरा है 2004 में, चौथा है 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, 2004 में एजुसेट को एक कृत्रिम उपग्रह के तौर पर इसको हम स्थापित किए थे। जितने भी उपग्रह होते हैं आपको पता होता है 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर अंतरिक्ष में हम इसको स्थापित करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं
अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के स्थापित किया जाता है। तो एजुसेट था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति लाया था और इसीलिए इसका नाम है एजुसेट भी दिया गया है। यह एजुकेशन से संबंधित था और इसको 2004 में स्थापित किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिलहाल यहाँ पर भी पूछा गया है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका आंसर मिलेगा, बट यदि आप टेट या टेट के एग्ज़ाम में समझ लिए पेपर, ये क्वेश्चन यहाँ पे 100% ICT या आपका एजुसेट से रखा ही रखा रहता है। तो यहाँ अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं PTC की या DLED की जो भी है, तो आप कहीं ना कहीं टेट की भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से अपना कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक और मेहनत से पढ़िएगा, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एज सिर्फ इस एग्ज़ाम के नहीं, आगे वाले एग्ज़ाम आने के लिए जो भी है वहाँ पर भी अगर आप टेट या सुपर टेट की कभी भविष्य में तैयारी करेंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स होते हैं जो स्टोरेज के काम आते हैं। जैसे कि हमने देखते हैं मेमोरी कार्ड हमारा होता है, हम उसमें स्टोर करते हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है DVD, दूसरा है पेन ड्राइव, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता है हार्ड डिस्क में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वीडियो वीडियो सब अपना फोटोज वोटोज रखते हैं। पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं और DVD जो पहले आता था, हम लोग DVD में भी स्टोर आती थी पिक्चरें और तभी तो हम लोग उसमें देखते थे। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों चीज़ जो है हमारी स्टोरेज की चीज़ें हैं। अगर आपका मेमोरी कार्ड भी आता है तो भी आपका स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत आएगा। इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी सही हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, फिलहाल इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ यहाँ पे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको ध्यान से देख लेना है। इसी प्रकार से आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सर्वर किसे कहते हैं, तो सर्वर की बात करता है, सर्वर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। सातवें प्रश्न पूछा रहा है कि URL का पूरा नाम क्या होता है। आप देखते होंगे जब भी आप गूगल पे जाकर सर्च मारते हैं तो वहाँ पे URL एक आपका URL मांगता है। अगर किसी साइट वेबसाइट पे डायरेक्ट जाना है तो आपको URL उसका पोस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप उस वेबसाइट पे आराम से जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन क्या होता है, मैन का पूरा नाम क्या है, मैन आपको लिखना है उसके बारे में, मैन का पूरा नाम, यानी कि आपको कहीं ना कहीं जो इतने भी कुछ शॉर्टकट नेम रहते हैं उनका नाम आपको याद कर लेना है कंप्यूटर से, अगर कंप्यूटर की एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो। प्रश्न नंबर 9 है डिजिटल सैंपट क्या होते हैं। जैसे कि आज के समय में आप लोग देख पा रहे होंगे लोग आजकल डिजिटल सैंपट का उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम स्मार्ट TV कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि उस पर चीज़ें हम लिख भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, समझा सकते हैं, वीडियोग्राफी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके समय आजकल आप लोग YouTube पे देख रहे हैं, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। डिजिटल सैंपट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है, स्मार्ट क्लासेस कौन सी होती हैं उससे क्या अभिप्राय है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपकी कॉपी में किताब में दे रखा है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो हम इसका वीडियो बना देंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं लघुत्तरी, लघुत्तरी में पहला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। जैसे कि आपके समय में आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, आपको भली बात से आप इससे अवगत हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आपको कोई चीज़ सर्च करना होता है गूगल पे आप सर्च करते हैं तो एक विकिपीडिया वेबसाइट होती है, खोल के आती है, उस पर हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है। उस पर अगर आप अपना भी कुछ डालना चाहते हैं उसके बारे में, अपने अगर मान लो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप भी उसमें एडिट कर सकते हैं। आप भी अपने अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी है उस जानकारी को आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी आपके लिए भी ये विकिपीडिया ओपन रहता है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कंप्यूटर के मुख्य अंग का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के मुख्य अंग कौन से होते हैं, जैसे इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, ये सब कौन कौन से काम करता है, तो इसके बारे में मुख्य अंग कौन कौन से हैं इसमें उसके बारे में आप, यानी कि कंप्यूटर का शुरुआत से लेकर एंड तक आपको समझ लीजिएगा, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, CPU क्या है, मॉनिटर क्या है, UPS क्या है, इसके बारे में लिख दीजिएगा, ये आपके मुख्य अंगों के नाम हो जाएगा। इसी का वर्णन करना है 50 शब्दों में। प्रश्न नंबर 5 है शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषताएं बताएं। जो शैक्षिक दूरदर्शन होता है आज के समय में आप देखते हैं टेलीविज़न पे, टेलीविज़न के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको शैक्षिक से संबंधित सेवाएं आपको दूरदर्शन के माध्यम से मिलती रहती हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। आज के समय में लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं, तो इस ऑनलाइन शिक्षण का क्या महत्व है इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता का प्रकाश डालिए। तो यातायात की बात कर रहा है तो यातायात में
कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरनेट बहुत ही उपयोगी रहा होगा। कभी भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप लोग वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप नाम का एक ऐप डाउनलोड किए रहते हैं, उस पर आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च मारते हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पर है। प्लस उसके साथ नेविगेशन की बात करते हैं तो नेविगेशन में, मैपिंग की बात करते हैं तो मैपिंग में कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसके बारे में भी आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। आज के समय में देखते हैं आप बैठे रहिए यहाँ पे, मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं और आपको मान लीजिए मुंबई में बात करनी है किसी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। इससे संबंधित क्या आप इससे क्या समझते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। आजकल तो आप देख पा रहे होंगे जो आपके न्यायालय होते हैं, न्यायालयों में भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होती है। नहीं तो पहले तो पुलिस को जो अपराधी रहते थे उनको ले जाना पड़ता था, काफ़ी उसके ऊपर पैसे भी खर्च होते थे। अगर मान लो को कोई खुखार अपराधी है तो आज के समय में अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसको जोड़ करके आप सुनवाई कर सकते हैं। ये आपका फ़ायदा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और ये सब संभव हुआ है आपके टेक्नोलॉजी की वजह से। फिलहाल आपके ये 18 प्रश्न यहाँ पे थे जो कि आपको 25 नंबर दिलाएंगे यहाँ से, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो था कि जो आपको नहीं समझ में आया इसके बारे में आप नहीं लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।